नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर से। रूस ने पिछले 6 हफ्तों में सबसे बड़ा जो अटैक है वो यूक्रेन पर किया है। 31 मिसाइलें दागी हैं। इसी बात पे यूक्रेन की तरफ से जो बयान जारी किया है उसने कहा कि उन्होंने सभी मिसाइलों को मार गिराया है। इसके अलावा मिसाइलों के मलबे से गिरने से एक बच्चा समेत 13 लोग घायल हो गए हैं। वहीं यूक्रेन में हुए मिसाइल हमले में एक की जान गई है। कीव शहर के एक प्रमुख ने कहा कि कीव के निवासी सुबह कई दिशाओं से आई मिसाइलों के धमाकों की आवाज़ से जाग उठे। रूस ने यूक्रेन की राजधानी में ये हमला किया है। जो हमला हुआ जिसकी आवाज़ इतनी तेज सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से वहाँ जो लोग आसपास रह रहे थे, सुबह सुबह का वक्त था जब ये हमला हुआ, जिसके बाद वो जाग गए। इसमें कई लोग घायल हुए जो खबर सामने आई है। और अगली खबर, गाजा में युद्ध विराम के चलते अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन अरब देश की यात्रा पर हैं। वो चाहते हैं कि अब इस जल्द से जल्द इस युद्ध को रोका जाए, क्योंकि कई लोग इसमें जान गंवा रहे हैं, कई ऐसे घर हैं जो इसमें तबाह हो चले हैं। ब्लिंकन की ये यात्रा तब हो रही है जब इसराइल ने साफ कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर हमास के खिलाफ युद्ध खत्म नहीं करेगा। इसी बीच गाजा सिटी के अल शिफा अस्पताल में और उसके आसपास लड़ाई और तेज हो गई है। अस्पताल परिसर से इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे हमास के 50 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। युद्ध विराम की कोशिश को परवान चढ़ाने की नीयत से अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि कैसे ही इस जंग को, इस युद्ध को अब रोका जाए। और अगली खबर, भारत सरकार ने हेती में फंसे कई भारतीयों को बचाने के लिए मिशन शुरू कर दिया। मिशन इंद्रावती शुरू हो चुका है, जिसके चलते कई लोगों को वहां से सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। कल देर रात 12 लोगों को कैरिबियाई द्वीप ले जाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी। हेती में 23 दिनों से हिंसा जारी है, सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं। जयशंकर ने कल रात सोशल मीडिया पर लिखा, भारत ने हेती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। आज 12 भारतीयों को निकाल लिया गया है, इन्हें डोमिनिक रिपब्लिक भेजा गया है। यानी कि धीरे धीरे इन सभी भारतीयों को वहां से निकाला जा रहा है। अब तक 12 भारतीय लोग वहां से निकाले जा चुके हैं और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। और अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो फिलहाल जेल में बंद है, उन्होंने दावा किया है कि आने वाले 4-5 महीनों में शहबाज की सरकार गिर जाएगी। ऐसा दावा उन्होंने जेल से किया है। मीडिया कोई उन्होंने बातें बताई हैं। इसके बाद इमरान अदियाला जेल से रिहा हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तोशखाना केस से जुड़े एक मामले की सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए खान ने कहा, यही वजह है कि बिलावल भुट्टो की पार्टी ने शरीफ कैबिनेट ज्वाइन नहीं की। केस में फैसले पहले से तय हो चुका है, सुनवाई सिर्फ औपचारिकता। यानी कि पाकिस्तान की जेल में बैठकर उन्होंने ये कहा है कि अब जल्द ही वो जेल से रिहा भी हो जाएंगे, क्योंकि ये सरकार महज 4-5 महीनों में गिर सकती है। ये इमरान खान के शब्द हैं। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।